Care and Career School, Playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhara, Madhwadi, Dashashwamedh branches in Varanasi. A home of education. Playgroup to class 8. Call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. जी, मेरा नाम जयप्रकाश मिश्रा है. हम लोग इस कटरे के दुकानदार हैं और विगत 15 वर्षों से हम लोग यहाँ पे किराएदार हैं. दुर्भाग्य इस देश का है कि हाई कोर्ट के आर्डर को बीडीए नहीं मान रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को बीडीए नहीं मान रहा है, लोकल कोर्ट ने हमको स्टे दिया उसको बीडीए नहीं मान रहा है. बीडीए न जाने किस जिद पे है कि हम इसको तोड़ेंगे, जबकि बीडीए के वीसी ने हाई कोर्ट के जज ने ये आर्डर दिया था कि इस प्रीमाइसिस में चार चीज गलत है. पहला, ये दो टावर के बीच की जो दूरी होनी चाहिए 9 मीटर होनी चाहिए, जो मात्र 4 मीटर है. दूसरा, जो इसमें कहा गया था कि टोटल 70 फ्लैट बन सकते हैं लेकिन 88 माने 18 फ्लैट भी अवैध है. तीसरा, सारे FIR के आधार पर कटरा भी नहीं बन सकता. तो जब बीडीए के वीसी ने आदेश दिया है कि 3 चीज़ें अवैध हैं, तो एक ही के ऊपर कार्रवाई क्यों, एक ही क्यों तोड़ा जाएगा? क्या रसूखदार आदमी को बचाया जाएगा और कमजोर दुकानदारों को उजाड़ा जाएगा? इसको लेकर के जब हाईकोर्ट में हम लोग गए, हाईकोर्ट में जाने के बाद देखिए, हाईकोर्ट में जाने पहले लोअर कोर्ट ने हमको स्टे दिया. ये क्लियर है, लोअर कोर्ट ने हमें स्टे दिया है. क्लियर लोअर कोर्ट ने लिखा है कि आप इसमें कोई कार्रवाई ना करें. उसके बाद फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए. सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हमसे कहा कि आपका चूंकि मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, लिहाजा आप हाई कोर्ट में जाइए. हाई कोर्ट में जब हम गए तो हाई कोर्ट ने 3 तारीख की हमको डेट दी थी. आज हमारी डेट पड़ी, हाई कोर्ट ने हमको पुनः डेट दे दिया और हाई कोर्ट ने हमको डेट दिया 10 तारीख का. जब हाई कोर्ट डेट दे रहा है, लोअर कोर्ट हमें स्टे दे रहा है, हाई कोर्ट ने हमें 10 तारीख को सुनने का डेट दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा कि आप जाके हाई कोर्ट में अपनी बात करिए, सक्षम कोर्ट है, तब बताइए बीडीए प्रशासन क्यों गुंडागर्दी कर रहा है. बीडीए के वाइस चेयरमैन वीसी का कहना है कि लोअर कोर्ट के एसटे को मैं स्टे नहीं मानता. हमने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो आप लोअर कोर्ट बंद करा दीजिए. सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा पहाड़िया वाराणसी. न्यायालय बंद करा दिए, सर्वोच्च न्यायालय अपने आप को मानिए. और उन्हीं के न्यायालय में उन्हीं के सक्षम वीसी ने कहा था कि नहीं, ये हमारे 4 चीज अवैध है. मैं कहता हूँ तोड़िए चारों. जब मैंने उन वीसी साहब से पूछा कि भाई साहब बताइए आप लोगों ने बनने क्यों दिया इस कटरे को, अगर कटरा अवैध था तो आपने बनने क्यों दिया, तब वीसी साहब के पास कोई जवाब नहीं था. हमने कहा कि जब आप नक्शा पास करते हैं उसके बाद जब कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट होता है तो अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट आप लगाते हैं. पहले ये बताइए कि आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट में कैसे लगाया? दो इतनी बड़ी बड़ी टावर देखिए, बिल्डिंग है जिनके सामने देखिए, वो बिल्डिंग देखिए भाई साहब, उस बिल्डिंग की जो दूरी होनी चाहिए, कभी अगर हादसा होता है तो उस बिल्डिंग के बीच जो दूरी होती है, और वीडियो मांगता है
किसके दूरी 9 मीटर होनी चाहिए जो मात्र 4 मीटर है। इस और बीडीए कहता है कि 70 फ्लैट केवल बन सकते हैं एफआईआर के आधार पर, 18 फ्लैट उसमें भी ज्यादा बने हैं, लेकिन चूंकि ये 48 मासूम दुकानदार जो बेचारे जीव को, तो हमसे कहते हैं बीडीए साहब वीसी साहब कि यहाँ पे हमको ओपन लैंड छोड़ना है। हमने कहा सर 40 दुकान है, 267 कर्मचारी मिला करके हैं यहाँ पे, 267 परिवार मानी 1700-1800 लोगों को मार करके घास लगाएंगे, ये कौन सा न्याय है? और जब कोई मामला सब जुडिस है, जब कोई मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो आप उसमें कैसे कार्रवाई कर सकते हैं? इतना हीनियस क्राइम निर्भया कांड हुआ जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, डेथ वारंट किया, उसके बाद राष्ट्रपति ने हमारे उस पर साइन किया, उसके बाद भी जब वो अपील करने गए तो हमारा मौलिक अधिकार हमको सुनने के लिए, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक छोटे से आदमी पे जहां की 267 परिवार 1800 लोगों को मार के घास लगाया जाएगा, मैं पूछना चाहता हूं कौन सा विकास है? और जिस देश में प्रधानमंत्री वित्त मंत्री इतने परेशान होते हैं कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं, रोजगार नहीं है, विपक्ष रो रहा है, 267 परिवार को मार के 14 लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि जीवंत आदमी को मार करके घास लगाया जाएगा। अगर छोटी न्यायालय, यहाँ का लोकल कोर्ट बेकार है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बेकार है, हाई कोर्ट बेकार है, सुप्रीम कोर्ट बेकार है, तो मैं एग्जीक्यूशन बॉडी से कहना चाहता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय, सारे न्यायालय बंद कर दिए जाए और विकास प्राधिकरण को ही सारा न्यायालय मान लिया जाए, डीएम को ही सारा न्यायालय मार करके 32 लाख जो बनारस की आबादी है, इसका नाम वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी न करके वाराणसी डिमोलिशन अथॉरिटी करके सबको मार के नष्ट कर दिया जाए। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ।